आपने जाना था ना उधर, हाँ। इन्होंने जाना था उधर और अब जा रहे थे सीधे। सबसे बड़ी बात तो ये सीएम का प्रोग्राम था, इसलिए रूट डाइवर्ट कर रखा है पूरा ही। हुआ क्या, इनको मुड़ना था इधर, अगर ये जमीन को मुड़ना है तो इनको इंडिकेटर देना चाहिए, बिल्कुल मस्त था। इन्होंने बस देख के इंडिकेटर देखने की बजाय बस रोक दी, इंडिकेटर दी, इंडिकेटर मतलब पीछे बस आ रही है, बस अगर साइड में बस निकल जाएगी आगे, फिर मैं अपना मुड़ जाऊंगा। अगर मैं इंडिकेटर देके मोड़ता ट्रक जा रहा था पीछे से साइड में, ट्रक मैं इंडिकेटर दे सकता भाई, अच्छी बात है। लेकिन आपने ये देखा है गैप कितना है भाई साहब, वो तो बस को ट्रक के पीछे आना था, मैंने थोड़ी जाना था एक उसके अंदर, थोड़ी ट्रक की साइड में लग रहा शीशा इतना, आप ट्रक आपने मेरी आप मेरे पीछे थे, आप मैं रुकाऊंगा, आपने ट्रक के पीछे जाना था, ट्रक मेरे ऊपर चढ़ना था आगे, आधा ट्रक क्रॉस हो गया, आपने मेरे ऊपर चढ़ना था या ट्रक के पीछे जाना था। महाराज जी मैं एक बात कहूं, ट्रक आधा क्रॉस हो गया, अभी 5 मिनट पहले वो कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे थे मेरा पैनल जाम हो गया, सुनो मेरी बात है, 5 मिनट पहले वो कह रहे थे मेरा पैनल जाम हो गया जी, ये देखो जे भाई साहब पूछते हैं ये आगे लग पैन जो जो अभी मिलू कोई होनी, इन बोले मेरा ट्रक जाम, डिबेट का कोई मजा नहीं है, मैं इस गाड़ी का परिचालक हूँ, इन्होंने श्रीमान जी ने सरदार जी ने मुड़ना है उधर, हमने जाना है सीधा, सीएम का प्रोग्राम है रूट डाइवर्ट करके सेफ्टी रीजन की वजह से, इनकी गलती ये है, इनको जाना है राइट साइड में, बहस कर रहे हैं, बहस करने का तो कोई बनता नहीं, इनको राइट साइड में जाना है, इन्होंने इंडिकेटर दिया नहीं, कोई प्रचार नहीं, इन्होंने इंडिकेटर दिया नहीं, कोई प्रचार नहीं, दिक्कत ये है और गाड़ी के एक तरफ तो था ट्रक बहुत बड़ा बहुत ही हैवी व्हीकल था और सामने ये थे, इन्होंने इंडिकेटर दिया नहीं, इसलिए पैडल जाम हो गया ऐसा कह रहे थे अभी, तो ऐसा है सर टेक्निकली आप किसी भी मैकेनिक से पूछ लेना, गाड़ी को रुकने के लिए वक्त चाहिए होता है और गाड़ी को वक्त नहीं मिला, वक्त ना मिलने का कारण है गाड़ी ने इंडिकेटर नहीं दिया, की कह रहे थे ड्राइवर साहब मेरा पैडल जाम हो गया, क्या सी ना उन्हें, एक बात बताओ सर भाई, बोले सी ना उन्हें पैडल बैठता है, उन्हें कहना मैं मेरा पैडल बैठ गया पैडल नहीं उठा, बैठ जाता है जी पैडल तो, फिर बैठ जाता है, फिर 70 जो सवारियों का जिम्मेवार कौन है, पैडल बैठ गया 70 सवारी थी तेरे अंदर, 70 सवारियां क्या है तेरे से, एक पैडल तेरा सवारियां सभी सेफ हैं, बिना अपने का रखा था, बिना अपने मत बोला, सवारियां सभी सेफ हैं, हम देखो नहीं हम गाड़ी गाड़ी हम देखो नहीं, सवारियां सभी सेफ हैं परमात्मा। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें देख रहे हैं जरीफाबाद गांव से और देख सकते हैं किस तरह से एक CTU चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट बस के साथ एक कार का टकराव हो जाता है जिसका नंबर HR05BG3062 और गाड़ी देख सकते हैं किस तरह से इस रोड से खेतों में चली जाती है। बताया जा रहा है कि रोड पर गाड़ी अब टर्न लेने के लिए खड़ी हुई थी, उसने वापस मुड़ना था साथ में गाँव में और कहीं ना कहीं पीछे से ये बस जो आती है काफ़ी रफ्तार बताई जा रही है, बस रुकती नहीं है और गाड़ी को टकराव मारती है, जिसके बाद आप देखिए ये जो गाड़ी है वो खेतों में चली जाती है, सवारी देखिए किस तरह से अब यहाँ पर खड़ी हुई है, हालांकि बस जो है वो यहाँ पर रोक ली गई है, जो गाड़ी चालक है वो सुरक्षित हैं, दोनों के दोनों करनाल जा रहे थे, हालांकि साइकिल यात्रा में शामिल होना था, क्या हुआ था सर, कैसे हुआ ऐसा? सर आज हम साइकिल CM की साइकिल यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ से हमने टर्न लेना मुड़ना था वापसी जूंडला की तरफ, तो हमने अपनी गाड़ी साइड में लगा दी, इतने में पीछे से रोडवेज की बस आई और उसने ज़ोरदार टक्कर मारी जिससे हमारी गाड़ी खेतों में जा गई, गाड़ी का काफ़ी नुकसान हो गया है, बस यही है जी, चंडीगढ़ और स्पीडो स्पीडो से चंडीगढ़ बस जा रही थी, चंडीगढ़ डिपो की है बस, हाँ चंडीगढ़ डिपो की बस, और बहुत तेज़ बस थी ये लेट होने की संत कनाल रोड बंद होने की वजह से इधर से निसंग आ रहे थे, इन्होंने काफ़ी तेज़ ही से बस थी इसलिए हमारा नुकसान हुआ, गाड़ी खेतों में चली गई, हाँ गाड़ी खेतों में चली गई, गाड़ी का भी नुकसान है, कौन सवार था? मैं और मेरा कजन सवार थे, हाँ बचा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बहुत जोर की लगी थी गाड़ी की, तो बहुत जोर की लगी, आप देखो कितनी दूर खेतों में, नीचे थे गाड़ी में थे, गाड़ी में थे हम, अच्छा गाड़ी समेत, हाँ गाड़ी समेत खेतों में गए हम, तो आप देख सकते हैं कितना ज़ोरदार आशा रहा होगा, आप देखकर तस्वीर को अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से जो गाड़ी है वो नीचे खेतों में चली जाती है, देखिए खेतों में खड़ी हुई टाटा टियागो आपको नज़र आ रही होगी और चंडीगढ़ रोडवेज की बस है CTU बस है, हालांकि चालक परिचालक यहीं पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास जरूर किया जाएगा, हालांकि सवारियाँ जो हैं वो ज़रूर दूसरे बस में चढ़ाई जा रही हैं, आप चालक हो परिचालक हो सर? स्टाफ से चंडीगढ़ डिपो से, तो आपको जानकारी कैसे मिली? हम तो अंदर बैठे थे पीछे, अच्छा साथ कैसे हुआ हादसा, हादसा कैसे हुआ पता नहीं, नहीं पता लगा, वो है चालक परिचालक, चालक परिचालक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे ये हादसा हुआ, सर कौन चला रहा था बस? मैं चला रहा था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था हादसा? सर हम इधर से आ रहे हैं, उधर पुलिस वाले ने रास्ता डाइवर्ट कर रखा है, हमें करनाल जाना था,
हम पक्का खेड़ा मोड़ से पुलिस ने रास्ता डाइवर्ट किया, हम इधर आ गए, निसंग हो गए, वहाँ निसंग रास्ता डाइवर्ट है, यहाँ से आए हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि हम 200 मीटर दूर थे, इस भाई साहब ने इधर मुड़ना था, ये कार मंदी की, इसने कोई इंडिकेटर नहीं दे रखा, मैंने भी अपने ब्रेक लगाए, मैंने इसको होने भी दिया, भाई साहब ने अगर मड़ी हुई इसकी गाड़ी स्पीड पकड़ जाती तो शायद ये हादसा नहीं होता। मेरे आपके साथ में ट्रक भी था? हाँ, मेरे साइड में आसपास में दो ट्रके थे, तो मैंने थोड़ा गाड़ी, तो मेरी गाड़ी शीशे ट्रक का लगी हुई है, आप जाकर के देख सकते हो मेरी गाड़ी शीशा। तो ये बताओ, अगर मैं थोड़ी और ज़्यादा काट देता तो मेरे बहुत ही पता नहीं आदमी का मैं भी होता कि नहीं होता। सवारियों को बचाव है, सवारी बचाव है, ये कार वाले भाई साहब भी पूरे बचाव हैं, बस ये है जो भी आपके सामने है, भगवान ने ठीक है, जो उसकी मर्जी से ठीक हुआ, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है, सभी के सभी सुरक्षित हैं, देख सकते हैं चालक परिचालक व सवारी सभी सुरक्षित है, और गाड़ी चालक भी सबसे बड़ी बात है सुरक्षित। ये कह रहे हैं अभी मैंने पीछे देखा बस है मेरे, तब भी नहीं एक्सीलेटर को लिया। एक इतना है कि ड्राइविंग करे हैं सरदार जी कार की, इतनी गलती है, अगर भाई पीछे इंडिकेटर दो, इशारा दो, किस लिए बनाए हैं साइन? हादसा बच गया, अरे इतना बड़ा हादसा बचा है होने से हम, तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा हादसा होने से बचा है, देख सकते हैं डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, ईआरवी 430 मौके पर पहुंच जाती है। फिलहाल आप ये देखिए जो पुलिस की टीमें हैं 112 की, वो मौके पर पहुंच जाती है जानकारी मिलते ही, हालांकि सवारी हैं सभी की सभी सुरक्षित हैं, सीएम साहब के प्रोग्राम में जा रहे थे, इस तरह से जो कार चालक है वो बताते हुए नज़र आ रहे हैं, कार देखिए किस तरह से खेतों में चली जाती है, टाटा टियागो गाड़ी है, और किस तरह से खेतों में आपको देखिए नीचे गिरी हुई नज़र आ रही होगी, और फिलहाल आप ये देखिए बस के अंदर आपने जाना था ना उधर, इन्होंने जाना था उधर, और अब जा रहे थे सीधे। सबसे बड़ी बात तो ये सीएम का प्रोग्राम था, इसलिए रूट डाइवर्ट कर रखा पूरा ही, हुआ क्या इनको मुड़ना था इधर, अगर ये जब इनको मुड़ना है तो इनको इंडिकेटर देना चाहिए, बिल्कुल मस्त था, इंडिकेटर देखने की बजाय बस रोक दी, इंडिकेटर मतलब पीछे बस आ रही है, बस अगर साइड में बस निकल जाएगी आगे, फिर मैं अपना मुड़ जाऊंगा, अगर मैं इंडिकेटर देके मोड़ता ट्रक जा रहा था पीछे का साइड में, ट्रक मैं इंडिकेटर दे सकता भाई, ट्रक देखा आपने? देखा मैंने, आपने पीछे ट्रक, अगर ड्राइवर अपर मोड़ है तो ड्राइवर भी, अगर मैंने इसीलिए साइड में दे दो, मैंने साइड में लगाई, सर जी मैंने इसीलिए साइड में लगाई है, बस आपने साइड में लगा दी, साइड में लगाने के लिए आपने मंदी कर ली, अच्छी बात है, लेकिन आपने ये देखा है गैप कितना है भाई साहब? वो तो बस को ट्रक के पीछे आना था, मैंने थोड़ी जाना था, एक उसके अंदर थोड़ी ट्रक की साइड में लग रहा शीशा, इतना आप ट्रक आपने मेरी आप मेरे पीछे थे, आप मैं रुका हूँ, आपने ट्रक के पीछे जाना था, ट्रक मेरे ऊपर चढ़ना था, आगे आधा ट्रक क्रॉस हो गया, आपने मेरे ऊपर चढ़ना था यहाँ पर ट्रक के पीछे जाना था, महाराज जी मैं एक बात बताऊँ, ट्रक आधा क्रॉस हो गया, अभी 5 मिनट पहले वो कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे थे मेरा पैनल जाम हो गया, मेरी बात है, 5 मिनट पहले वो कह रहे थे मेरा पैनल जाम हो गया जी, ये देखो भाई साहब पुलिस ये आगे लाग पैन जो जो मिलू कोई होनी, इन बोले मेरा ट्रक जाम, डिबेट का कोई मजा नहीं है, मैं इस गाड़ी का परिचालक हूँ, इन्होंने श्रीमान जी ने सरदार जी ने मुड़ना है उधर, हमने जाना है सीधा, सीएम का प्रोग्राम है रूट डाइवर्ट करके सेफ्टी रीजन की वजह से, इनकी गलती ये है, इनको जाना है राइट साइड में, बहस कर रहे हैं, बहस करने का तो कोई बनता है, इनको राइट साइड में जाना है, इन्होंने इंडिकेटर दिया नहीं, कोई प्रचार नहीं है, इन्होंने इंडिकेटर दिया नहीं, कोई प्रचार नहीं, दिक्कत ये है गाड़ी के एक तरफ तो था ट्रक बहुत बड़ा बहुत ही हैवी व्हीकल था, और सामने ये थे, इन्होंने इंडिकेटर दिया नहीं, इसलिए ये हादसा हुआ, पैडल जाम हो गया ऐसा कह रहे थे अभी, तो ऐसा है सर टेक्निकली आप किसी भी मैकेनिक से पूछ लेना, गाड़ी को रुकने के लिए वक्त चाहिए होता है, और गाड़ी को वक्त नहीं मिला, वक्त ना मिलने का कारण है गाड़ी ने इंडिकेटर नहीं दिया, की कह रहे थे ड्राइवर साहब मेरा पैडल जाम हो गया, क्या सी ना उन्हें, एक बात बताओ सर, बोले सी ना उन्हें, पैडल बैठता है, उन्हें कहना मेरा पैडल बैठ गया, पैडल नहीं उठा, बैठ जाता है जी पैडल, फिर बैठ जाता, बैठ जाता, फिर 70 जो सवारियों का जिम्मेवार कौन है, पैडल बैठ गया, 70 सवारी थी तेरे अंदर, 70 सवारी है, शुक्र है सभी, ये रोड को अपनी जगीर समझते हैं, लेकर लगाइए कौन जानती बाहर भी निकल दी रोड पको, तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है, जो कार चालक हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पैडल जो है वो
जाम हो गया था, इस तरह से बताया जा रहा है। फिलहाल आप ये देखिए किस तरह से अब सवारियां जो दूसरी बस का इंतज़ार जो है वो करती हुई नज़र आ रही हैं। किस तरह से यहाँ पर देखिए पैडल जाम हो जाता है, जिसके चलते हुए आप देखिए यहाँ पर चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की जो बस है वो कहीं ना कहीं टकराई है, जिसके बाद आप देखिए जो चालक परिचालक यहाँ हैं और सवारी हैं सभी सुरक्षित हैं, सभी सुरक्षित बताई जा रही है। हालांकि पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचकर अब कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं तमाम सवारियां यहां पर खड़ी हुई हैं। आप भी बस में ही थे जी? हाँ जी। क्या हुआ था जी? मैं तो पीछे बैठा था जी, पता नहीं लगा, टक्कर लगी जब भी पता लगा है। कार देखी है इधर उतर गई बेचारी, खेतों में चली गई। तो आप देख सकते बस स्पीड पे थी सर? बस स्पीड में नहीं थी, आगे ट्रक था, साइड में कार थी, पता नहीं कार वाले ने ब्रेक मारे एकदम, क्या हुआ है ये पता नहीं लगा। तो अभी इस चीज़ का पता नहीं लग पाया आखिरकार, कारण ये बताया जा रहा है कि गाड़ी जो है वो मोड़ मुड़नी थी, जिसके चलते हुए गाड़ी साइड पर लगाई हुई थी। हालांकि बस निकल जाए तो तब मोड़ेंगे, पर बस जो है वो इसके पीछे टकरा जाती है, गाड़ी जो है वो खेतों में चली जाती है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ये देखिए जरीफाबाद की ये तस्वीरें हैं और किस तरह से ये हादसा जो है वो देखने को मिला है। 70 सवारियाँ थी इसमें, भगवान का शुक्र है छोटे छोटे बच्चे भी थे, सभी सुरक्षित हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। चंडीगढ़ से सफीदों ये बस जा रही थी और हालांकि रूट डाइवर्ट है क्योंकि साइकिल यात्रा जो है वो निकल रही है और साइकिल यात्रा आज आरंभ होकर जो है वो 25 तारीख को समापन होना है उसका, और उसके लिए आज पूरे करनाल जिले के जो रूट हैं वो डाइवर्ट कर रखे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि सभी सुरक्षित है, भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच जाती है, और आगे की कार्रवाई जो है वो अब की जाएगी, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। देख सकते हैं जुंगला चौकी से भी पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है, अब आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अब बस को पहले करनाल बस स्टैंड लेकर जाया जाएगा, वहाँ पर सवारियों को उतारा जाएगा, उसके बाद जो है बस को फिर से जुंडला लाया जाएगा, सवारियों को बीच में बिठा दिया गया है। देख सकते हैं किस तरह से जब जो हादसा है वो काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिला, गाड़ी जो है वो अंदर खेतों में चली जाती है। ये देख सकते हैं एक तरफ से जो गाड़ी है वो लगी है और वो गाड़ी को जो है अब यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। इन चार साहब मौके पर पहुँचे हुए हैं और अब जानकारी जुटाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, CH01GA9941 जो है वो गाड़ी का नंबर है। फिलहाल अब जुंडला चौकी में गाड़ी जो है वो मंगाई गई है, उसके बाद जो अगली कार्रवाई है वो की जाएगी, जानकारी लेने का भी प्रयास जरूर किया जाएगा। तो इन चार साहब हैं पहुंचते, सिर्फ यही पता लगा कि एक एक्सीडेंट है, ठीक है जी, बस का और कार का एक्सीडेंट हुआ आपस में, अभी पूछताछ कर रहे हैं किसकी क्या गलती है, ठीक है जी, अभी कुछ नहीं है। जो कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, कोई कंप्लेंट देगा उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती है वो करी जाएगी, ठीक है जी। आप देख सकते हैं जो भी कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी कंप्लेंट के आधार पर। आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें।